कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर में F1 से लेकर F12 तक की का क्या काम है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आजकल हर कोई कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में जानता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कीबोर्ड आप सबसे ऊपर की लाइन में बटन देखते हैं F1 से लेकर F12 तक, यह क्या काम में आते हैं। इन कीज को आप फंक्शन की भी कह सकते हैं, क्योंकि इनसे आप कई ऐसे काम कर सकते हैं जिनके लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर या कोई स्पेशल टैब खोलकर करना पड़ता है। कई कंप्यूटर में यह सभी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और कुछ का किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर के लिए ही इनका इस्तेमाल होता है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है F1 कीज। F1 कीज का यूज हम कैसे करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताने वाला हूँ। F1 कीज का इस्तेमाल किसी भी सॉफ्टवेयर के हेल्प और सपोर्ट सेंटर को ओपन करने के लिए किया जाता है। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर के खोलने के बाद उसमें F1 की दबाते हैं, तो आप उसके बारे में और अधिक जानकारी पा सकते हैं। चलिए मैं MS Word ओपन करता हूँ। MS Word ओपन करने के बाद मैं यहाँ F1 प्रेस करता हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ हेल्प सेंटर ओपन हो गया है और इसके बारे में डिटेल्स आने लगी हैं कि ये गेट स्टार्ट, इंसर्ट सेट, पिक्चर, सेव एंड प्रिंट्स, मेल मार्जिन। तो इसमें मैं जो MS Word है उसके बारे में मैं यहाँ से जानकारी पा सकता हूँ। नेक्स्ट की है F2 कीज। F2 की का क्या यूज है, यह सिस्टम रिवर्स की है। इसमें आप किसी भी फोल्डर पर क्लिक करके अगर आप F2 दबाते हैं, तो आपके पास जो फोल्डर है उसका नाम आप रीनेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको राइट क्लिक करके रीनेम पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे F2 बटन दबाकर आप अपने फोल्डर का नाम आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना फाइल एक्सप्लोर ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ आप लोग के सामने एक कैप्चर एक फोल्डर है, इसका नाम मुझे रीनेम करना है, तो मैं सिंपली F2 बटन प्रेस करूँगा। ये जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने F2 बटन प्रेस किया तो ऑटोमेटिक क्लिक हो गया। अब इसका नाम मैं रीनेम करना चाहता हूँ, तो मैं इसका नाम रवि यादव। इस तरह से आप सिंपली F2 बटन प्रेस करके किसी भी फोल्डर या फाइल का नाम आसानी से रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट की है F3 कीज। F3 कीज सर्च करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप किसी भी ब्राउजर में सर्च करते हैं, जैसे कि आप किसी सर्च बार पर क्लिक करते हैं और वहां पर आप सर्च करते हैं, इसी तरीके से यह जब भी आप F3 बटन प्रेस करके इंटर बटन प्रेस करते हैं, तो यह सीधा विंडो के सर्च बार में खुल जाएगा और इसके बाद आप यहां पर फाइल सर्च कर सकते हैं या फिर आप कोई वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं। यह इंटरनेट और हार्ड डिस्क के सभी फोल्डर पर काम करता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर ले रहा हूँ। क्रोम ब्राउजर पे मैंने यहाँ गूगल सर्च किया है। गूगल सर्च करने के बाद मेरे सामने जो रिजल्ट आ गया है, अब मैं यहाँ F3 बटन प्रेस करता हूँ और आप लोग देख रहे होंगे कि यह सर्च बार ओपन हो गया और मैं यहाँ गूगल टाइप करके इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ गूगल जहाँ भी लिखा है वो उसे हाईलाइट कर दिया है पीले कलर से। तो F3 फंक्शन की का यूज हम सर्च करने के लिए यूज करते हैं किसी भी ब्राउजर पे। नेक्स्ट आता है F4 कीज। इस की का इस्तेमाल अकेले नहीं करते हैं, इसके लिए आपको कंट्रोल और अल्टर का इस्तेमाल करना होता है। ज़्यादातर F4 की का यूज किसी सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम अपने कंप्यूटर को बंद करने के लिए भी कर सकते हैं। जो हमारा कंप्यूटर है और लैपटॉप है उसको हम बंद करने के लिए F4 की का यूज कर सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए मेरा फाइल ओपन है, मैं यहाँ अल्टर प्लस F4 प्रेस किया, तो जिसके मदद से जो मेरा फाइल है वो क्लोज हो गया। और आप अगर फिर से यहाँ अल्टर प्लस F4 कीज प्रेस करते हैं, तो धीरे धीरे आपके सारे फाइल क्लोज हो जाएंगे और आपको अगर अपना विंडोज या लैपटॉप
ऑफ करना है, बंद करना है, तो आप अल्टर प्लस F4 की मदद से अपने सिस्टम को बंद कर सकते नेक्स्ट हैं। आता नेक्स्ट आता है F5 कीज। इसका इस्तेमाल ज्यादातर बहुत होता है और हर किसी को इसके इस्तेमाल का पता होता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आप इससे अपने इंटरनेट के पेज को रिलोड कर सकते हैं। मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ तो जिससे जो मेरा ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ रिफ्रेश हो रहा है। F5 की मदद से हम अपने डेस्कटॉप लैपटॉप की विंडोज को रिफ्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है F6 की। इसका इस्तेमाल सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप इंटरनेट ब्राउजर में हैं तो आप इसको यहीं पर टेस्ट करके देख सकते हैं। मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर ले रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, इसके लिए आप अपने कर्सर को एड्रेस पर ले जाकर क्लिक करें, उसके बाद आप F6 बटन को प्रेस करें। मैं यहाँ अपने एड्रेस पे जाता हूँ और F6 बटन प्रेस करता हूँ, तो यह आपके पुराने कर्सर पॉइंट पर आ जाएगा और एक बार फिर प्रेस करने पर यह वापस अपने एड्रेस के बाहर चला जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पुराने एड्रेस पे आ गया है और मैं वापस यहाँ F6 बटन प्रेस करूँगा तो वापस ये मेरे एड्रेस पे आ गया है। फॉर एग्जाम्पल एक बार हम और ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ जो अपना कर्सर है उसको अपने एड्रेस पे लेके गया और F6 बटन प्रेस करता हूँ तो ये मुझे पुराने एड्रेस पे लेके चला गया। अब मैं वापस F6 बटन प्रेस करता हूँ तो ये मुझे पुनः मेरे पुराने एड्रेस पे लेकर आ गया। नेक्स्ट है F7 कीज। इसका इस्तेमाल विंडो पे नहीं होता है लेकिन आप इसको किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कनेक्ट करने के बाद यह की तभी काम करती है जब आपको वह सॉफ्टवेयर ओपन या एक्टिव हो। एफ की फंक्शन का यूज हम किसी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, इसका यूज हम विंडो पे नहीं कर सकते और सॉफ्टवेयर के साथ हमें इस की को कनेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है F8 की। कंप्यूटर के शुरू होने के बाद और विंडो स्टार्टअप होने से पहले इस की का इस्तेमाल इसके मेन्यू ओपन करने के लिए किया जाता है। इससे आप अपने कंप्यूटर के कई फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका जो पेन ड्राइव से विंडो इंस्टॉल करना है तो आप इस की का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर के फंक्शन को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है F9 कीज। इसका इस्तेमाल विंडो में नहीं होता है लेकिन आप इसको किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकती है, लेकिन कनेक्ट करने के बाद यह की तभी काम करती है जब आपका वह सॉफ्टवेयर ओपन हो या एक्टिव हो। एग्जाम्पल के लिए हम इसका इस्तेमाल म्यूजिक प्लेयर में करने वाले हैं, इससे म्यूजिक चेंज हुए होगा। F9 की मदद से हम म्यूजिक को चेंज कर सकते हैं। चलिए अपना म्यूजिक प्लेयर ओपन करता हूँ। म्यूजिक यहाँ से मैं प्ले कर रहा हूँ। म्यूजिक प्ले हो गया। मुझे म्यूजिक को चेंज करना है तो मैं F9 की मदद से म्यूजिक को चेंज कर सकता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे F9 की मदद से म्यूजिक चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा F10 कीज। इस की का इस्तेमाल दो तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट है F10 कीज। इस की का इस्तेमाल दो तरह से किया जा सकता है। जैसे अगर आप अभी अपने ब्राउजर में हैं और F10 की को प्रेस करते हैं तो इससे आपका ब्राउजर फाइल मेनू ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ और यहाँ F10 बटन प्रेस करता हूँ तो जिससे जो मेरा ये फाइल मेनू है ये ऑटोमेटिक प्रेस हो गया है। फिर से मैं प्रेस करता हूँ, जैसे कि F10 बटन मैंने प्रेस किया, आप लोग देख रहे होंगे कि जो मेरा फाइल मेनू है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। इसके साथ ही F10 की का यूज मैं शिफ्ट प्लस F10 का इस्तेमाल करके इससे मैं अपने राइट मेनू को ओपन करने के लिए कर सकता हूँ। चलिए अपने क्रोम ब्राउजर को ऑफ कर देते हैं। अब मैं यहाँ शिफ्ट प्लस F10 बटन को प्रेस किया तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो मेरा राइट मेन्यू है वो ओपन हो गया। तो इस F10 की का यूज हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला है ब्राउजर में फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, और
और सेकेंड जो है शिफ्ट प्लस F10 की मदद से राइट मेन्यू को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट की है F11 कीज। इस की का इस्तेमाल ज़्यादातर ब्राउजर और माइक्रोसॉफ्ट कई तरह के सॉफ्टवेयर को फुल स्क्रीन मोड को ऑन करने के लिए किया जाता है। चलिए मैं अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। ये अभी छोटे साइज में है, मिनिमम साइज में है। इसको मुझे फुल साइज में करना है तो मैं यहाँ F11 बटन प्रेस करूँगा तो जिससे कि ये फुल स्क्रीन में आ गया है, और मैं वापस F11 बटन प्रेस करूँगा तो ये वापस मिनिमम साइज में आ जाएगा। आप इसको कई तरह के वीडियो प्लेयर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ फुल स्क्रीन करने के लिए किया जाता है। F11 की का यूज यूट्यूब यूट्यूब में कर सकते हैं, वीडियो प्लेयर में कर सकते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन में कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ क्या है, ये फुल स्क्रीन करता है। नेक्स्ट है F12 कीज। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ब्राउजर में किया जाता है। जब ब्राउजर में इसको प्रेस किया जाता है तब यह डेवलपर ऑप्शन को ओपन करता है, जो कि कई तरह के सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के लिए भी किया जाता है। मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ से F12 बटन को प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो इसका डेवलपर ऑप्शन है वो मेरे सामने ओपन हो गया है। तो सिंपली F12 की का यूज हम डेवलपर ऑप्शन को ओपन करने के लिए करते हैं। इन सब के अलावा अगर आप इनका इस्तेमाल शिफ्ट कंट्रोल अल्टर और विंडो की के साथ करते हैं तो कई तरह के काम भी करते हैं। अगर आपको इसके अलावा और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर मैं इस टॉपिक पे फिर से वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।